कंट्रोवर्सी है जो कि इस पे दो थ्योरी माना जाता है, एक कि वो क्रॉसब्रीड हुए थे वेजा मेलारनुरुस और मिडास चिकलेट्स, और सेकेंड थ्योरी है वो आया हुआ है वेजा सिनेस्पिलम के। इंजेक्ट करके उसके फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और सक्सेसफुली ब्रीडिंग भी करा रहे हैं। फ्रेश वाटर पैरट्स का एक जो स्पेशल ब्रीड होता है जिसका नाम है किंग कॉन्ग पैरट्स, उसका माउथ उतना डिफेक्ट नहीं होता है, उतना डिफॉर्म्ड नहीं होता है, जिसलिए कि उसका खाने में भी उतना परेशानी भी नहीं होता है और वो साइज में भी और थोड़ा और काफ़ी बड़ा भी होता है। और अगर प्राइस पूछे तो प्राइस भी वैसे ही थोड़ा लाजवाब ही होता है। लाइट्स थोड़ा कम हो तो अच्छा है, वो लोग का हाइडिंग प्लेस आप जितना दो तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग थोड़ा बहुत टेरिटोरियल भी होता है और ताकि दूसरे फिशेज भी उसका एग्रेशन को किसी तरह एस्केप कर सकता है। और तो और
पहले आपको टैंक में छोड़ना चाहिए. देन यू कैन कीप एन नंबर ऑफ लाइक यू कैन कीप रेड टेरर्स, यू कैन कीप ग्रीन टेरर्स, यू कैन कीप डेविल्स, एन नंबर ऑफ फिशेज तो है ही. तो यानी कॉम्पैटिबल, पर इसमें आपका बहुत नाजुक और छोटा साइजेस का फिशेज बिल्कुल नहीं चलेंगे बिकॉज दे एक्चुअली आर प्रिटी एग्रेसिव फिश. इनफैक्ट आप लोग चाहे तो कुछ अरवानास के साथ भी टैंक्स, अगर काफ़ी बड़ा है तो आप अरवाना के साथ भी रख सकते हो. अरवाना तो पूरा ऊपर के ऊपर वो घूमता रहता है और पैरट्स नॉर्मली वो ठीक है मोर ऑर लेस द पूरा टैंक. का टैंक्स नॉर्मली थोड़ा वार्म टेम्परेचर का होना चाहिए क्योंकि वो वार्म टेम्परेचर ही वो प्रेफर करते हैं. और अगर डाइट का बात किया जाए तो नॉर्मली पैरट्स को आप मिनी साइज पैलेट्स आप खिला सकते हो. वो लोग फ्लोटिंग पैलेट्स भी अच्छा खासा खा लेते हैं, साथ ही साथ आप उसको श्रिम्प्स भी आप खिला सकते हो. पैरट्स का आप लोग के लिए पेश कर पाऊँ.